हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए एक पैन में बटर लेंगे, उसमें एक चम्मच मैदा मिक्स करेंगे, उसे अच्छे से विक्स की हेल्प से भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक अरोमा सा आना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो है धीरे धीरे मैदा का कलर जो है चेंज हो रहा है। इसको 2 मिनट के लिए और भूनेंगे बिल्कुल सिम गैस में। बटर भी जो है सेपरेट होने लग गया है और बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आने लग गई है स्टेज पे। मिल्क करीब 1 ग्लास के डल जाता है इसमें, क्योंकि मैदा जो है धीरे धीरे थिक होने लग जाता है। अब इसको कंटिन्यूसली हमें हिलाएंगे ताकि कोई लम्स ना इसमें पड़े। और इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, सॉल्ट, ओरिगैनो एंड मिक्स वेजिटेबल्स मैंने चॉप करके रखी हुई थी, इनको भी हम इसमें पकाएंगे। हमारा बैटर थोड़ा थिक हो गया है, हमने अपने अकॉर्डिंगली ओरिगैनो थोड़ी सी और ऐड की है क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारी सॉस जो भी है बहुत थिक हो गया, हमें इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड और करना है ताकि जो टेक्सचर है बहुत अच्छा दिखे। इसमें मैंने चीज़ स्प्रेड सॉस भी डाली है, इससे और भी सॉसी सा फ्लेवर आएगा, चीज़ी सा। और बीच में सॉस में भी मैंने थोड़ी सी चीज़ ग्रेट करके डाल दी थी। अब मैं इसमें मैक्रोनी या पास्ता जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करेंगे। मैंने मैक्रोनी ली है इसको न्यू लुक देने के लिए। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड होगा, मिल्क और वाटर एज़ यूजुअल आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। धनिया से हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे फॉर गार्निश। इसको थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।